अरे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज जो रैली होनी है अमित शाह जी की, उड़ा उस स्टेज पे बैठे हैं। आज तो उसे भाग्य मिला, कल ने तो मेरा नहीं मिला कि नहीं मिला। तो हमारे साथ है अरविंद शर्मा जी। सर नमस्कार। आपको जगदीप सौभाग्य तो हमेशा मिलता है, और ना मिलता है तो आप धक्के से सौभाग्य ले लेते हो, इसमें तो कोई शक नहीं। और कल जो है आदरणीय हमारे बहुत ही आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो पार्टी प्रवास का कार्यक्रम रहता है, वह यहाँ पर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। और जो है जन उत्थान रैली के नाम से, जो है रैली का जो नाम दिया गया है उसके हिसाब से, और मुझे पूरी उम्मीद है जब कोई भी बड़ा नेता आता है, अमित शाह जी, मोदी जी, कोई भी बड़ा नेता आता है तो बहुत सारे रास्ते उस इलाके के लिए, प्रदेश के लिए खुलते हैं। और सोनीपत लोकसभा की रैली है जिसमें कार्यकर्ता और भी कार्यकर्ता, हमारे आसपास के कार्यकर्ता रोहतक से भी, और हमारा सांपला कलोई रोहतक महम और इस इलाके से प्रॉपर रोहतक से भी बहुत सारे लोग तैयारी में हैं, जोश में हैं, आएंगे। और बहुत कामयाब रैली रहेगी ये, और ये रैली किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी सबके लिए, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सबके लिए रास्ते खोलेगी, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए और हमारे फौजी भाइयों के लिए भी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सबका ध्यान रखा है, जिस पार्टी ने हमेशा रखती आई। कोई बड़ी घोषणा होने की उम्मीद? देखिए, जब कोई बड़े नेता आते हैं हमारे पार्टी के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के नेता अमित शाह जी, तो कोई ना कोई बात, ठीक है अभी अभी इसमें चर्चा नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो उसमें कोई ना कोई रास्ता प्रदेश के लिए, इलाके के लिए रास्ता खुलता है। और हरियाणा विकास के पथ पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और कल अमित शाह जी आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से हरियाणा विकास कर रहा है। रैली के बहुत सारे मापदंड हैं, लेकिन अगर हम सोचें एमपी के इलेक्शन अगले साल होने ही वाले हैं तो उसकी भी तैयारियां चल रही होंगी, ये रैली सोनीपत ही क्यों चुनी? रोहतक अच्छा ऑप्शन था, वहाँ पर कुछ वोटिंग बढ़ती? नहीं देखिए, ऐसा है कि अभी झज्जर में राजनाथ सिंह जी आए थे, प्रवास का कार्यक्रम था, तो ऐसे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। नड्डा जी भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे आने वाले समय में। और रही बात चुनाव की, चुनाव भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही चुनाव की तैयारी करती है, चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा सेवा ही संगठन, सेवा के रूप में सबका साथ सबका विकास, उस रूप में करके हमेशा जो दिन, रोजाना का दिन जो जाता है सेवा भाव से, रोजाना का दिन चुनाव का ही होता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि 2024 की, हाँ पार्टी संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कल उनकी मुलाकात है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके आने से और पार्टी के कार्यकर्ता और जोश के साथ लगेंगे। आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की थी, वो जैसे ही यात्रा हरियाणा से कवर की, भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारिणी मीटिंग की, फिर प्रदेश स्तर पर की, अब जिला स्तर पर, तो ये कहीं राहुल गांधी जी की परफॉर्मेंस को देख के ये सब प्लान तैयार हुआ? देखिए ऐसा है, आप और हम सब जानते हैं जी, 2014 में कांग्रेस गई जी, उसके क्या कारण थे, केंद्र में भी गई, स्टेट में भी गई, उसके कारणों को हमें बहुत गहराई से खोजना चाहिए। जिस कारण से गई थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस गई थी, सबसे बड़ा जो मुद्दा था, और वही लोग हैं, आप केंद्र में देख लो, वही लोग हैं, वही पहले थे, वही अब हैं, उनमें क्या बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ बदलाव कोशिश करी जा रही है कि भी लोगों को धूल झोंक करके भाई बदलाव की दिखाने के लिए, अदरवाइज कोई बदलाव नहीं, वो ये घोड़े, वो ये मैदान, वही बातें, कोई बदलाव है ही नहीं, तो कहाँ से क्या असर पड़ेगा? कोई असर पड़ने वाला नहीं। एक लास्ट एक सवाल और, जो पूरा हरियाणा आपसे उम्मीद रखे है,
आप 2024 का इलेक्शन भाजपा से ही लड़ेंगे या कहीं और भी जाने? मैं देखो, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ जी, और भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, और यही हमारा नारा है। हम सेवा भाव से आगे बढ़े हैं। आज अगर हम चौथी बार सांसद हैं जी, तो सेवा के भाव से हैं। सेवा के द्वारा हमारा परिवार संतों का परिवार रहा है। हमारे दादाजी पिताजी तो हमारे तो खून में सेवा है, गरीब की, दलित की, बैकवर्ड की, नौजवान, हर एक की, किसान मजदूर की, खेती और मजदूर की, सबकी सेवा करके ही, 36 बिरादरी की सेवा करके हम आगे बढ़े हैं, और उसी भाव से हम आगे चल रहे हैं। मान लीजिए 2024 में भाजपा जीत जाए तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब ठीक हैं या कोई ब्राह्मण या कोई और? देखिए ऐसा, ये सवाल, ये सारा ये तो बातें जो है जी, ये बातें पार्टी प्लेटफॉर्म पर की भले पार्टी की बातें हैं, पार्टी हाईकमांड की बात है, ना कि पार्टी कार्यकर्ताओं की। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये बातें पार्टी हाईकमांड की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में रह दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की। थैंक यू भाई।